हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जो गतिमान 2287 पदों की आपकी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उसके संबंध में यहाँ पे एक न्यू अपडेट जारी किया है। इसमें आपके पद वृद्धि और आयुष्मय को लेकर जो BATT प्रथम वर्ष है उनके द्वारा यहाँ पे शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, और उनके द्वारा कहा गया है कि इस भर्ती में पद वृद्धि की जाए और साथ ही आयुष्मय इसमें बढ़ा जाए। तो क्या है पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं 9 नवंबर 2020 के अनुपालन में विज्ञापित 2287 पदों पर गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 31 मार्च 2022 तक रिक्त हुए समस्त सेवान्वित पदोन्नति एवं सत्रांक लाभ के पदों पर सम्मिलित करके आय सीमा की बाध्यता पूर्ण कर चुके BATT प्रथम प्रशिक्षित बेरोजगारों को मानवता के आधार पर रोजगार के अंतिम अवसर के उपलब्ध किए जाने के संदर्भ में। तो उनके द्वारा यहाँ पे एक पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। उपयुक्त विषय विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि BATT प्रथम प्रशिक्षित बेरोजगारों की एक ही मुख्य संवैधानिक मांग है, जिसका आपके स्तर से शीघ्र संज्ञान लेकर निस्तारण करना। आयुष्मान की बाध्यता पूर्ण कर चुके BATT प्रथम प्रशिक्षित बेरोजगारों के सुरक्षित भविष्य हेतु अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आयुष्मान की बाध्यता पूर्ण होने के कारण नवीन विज्ञापनों में आवेदन के लिए हजारों BATT प्रथम वर्ष पात्र नहीं है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में 31 मार्च 2022 तक रिक्त हुई समस्त सेवान्वित पदोन्नति एवं सत्रांक लाभ के पदों को गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करते हुए नियुक्ति चयन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण जारी करने की मांग की गई है, और आयुष्मान की बातियां पूर्ण कर चुके BATT प्रथम प्रशिक्षित बेरोजगारों को गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2287 में एक से अधिक रोजगार व अवसर प्राप्त हो सके। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि बेरोजगार इस महत्वपूर्ण मांग को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग अतिशीघ्र कृपा करें, ताकि वर्तमान में गतिमान 2287 पदों की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर रहे उपरांत आयुष्मान पर पार करने वाली स्थिति में पहुंचने वाले BATT प्रथम वर्षवार बेरोजगार प्रसिद्ध बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। धन्यवाद सर। जो आपको BATT प्रथम जो संगठन है उनके द्वारा यहाँ पे शिक्षा मंत्री को यहाँ पे ज्ञापन भेजा गया है। तो उनकी जो पर्सनल मांग है वो ये है कि जो 31 मार्च को यहाँ पे रिटायरमेंट हुए थे, आप सभी जानते हैं लगभग 900+ पद आपके रिटायरमेंट हुए थे, उनको यहाँ पे इस भर्ती में ऐड किया जाए, और जो BEd के छात्र हैं आपके जिनकी एज पार हो चुकी है उनको भी इसमें आयुष्मान में छूट दी जाए, और वो इस भर्ती में उनको सम्मिलित करके उनको सेवा का अवसर प्रदान किया जाए। तो इनके द्वारा यहाँ पे शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है और कहा गया है कि इसमें पद वृद्धि के साथ आयुष्मान को भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं जिनसे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो इसलिए भी उनके आयुष में बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो देखते हैं इसमें क्या अपडेट आता है, जैसे भी उसमें कुछ अपडेट आता है आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी गतिमान शिक्षक भर्ती आप सभी को पता होगा यहाँ पे कुछ दिन में शुरू होने वाली है, लेकिन पूरा विभाग पर डिपेंड है, जब तक विभाग इसको इस पर कार्रवाई नहीं करता तब तक इसमें कोई अपडेट नहीं आता है। जैसे ही कुछ इसमें अपडेट आता है आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो देखते हैं इसमें शिक्षा मंत्री क्या अपडेट देते हैं, और इसमें आयुष्मान बढ़ती है या पद वृद्धि होती है, क्योंकि पद तो आपको सभी को पता है कि पद वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि पद काफ़ी सारी खाली है। बाकी आयुष्मान इसका मामला विभाग के पास है, विभाग इस पर क्या अपडेट करता है आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।